चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ये मेरी आखिरी सभा है जिसमें मैं आप सबसे कुछ बातें कर सकती हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित कर रही हूं। इसके बाद आप लोग पोलिंग में जाएंगे, चुनाव में आप अपना निर्णय लेंगे और एक नई सरकार आपके प्रदेश में बनेगी। 3 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय कुछ बड़े नेता मेरी पार्टी में ही, जो आज तकरीबन सारे के सारे पार्टी छोड़ गए हैं, वो मेरे पास आए अलग अलग से। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा अरे यहां से निकल जाइए, यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, यहां क्या करने आई है, यहां तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहां कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नेतृत्व से बात करिए, आपको यहां से निकाल के कहीं और भेज दें। मैंने अपने भाई से बात की जब उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया। मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या है। मेरे भाई राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा देखो प्रियंका, तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो तुम काम करना शुरू करो और याद रखो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा एक ही काम है कि जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ, जनता के मुद्दों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो। मैं आपके बीच आई, सोनभद्र में 13 आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। मैं वहां गई, एक लड़का रामराज गोंड था वहां, वो सब आदिवासियों के परिवार के सदस्यों को मेरे पास लाया। मुझे पता चला कि जिस तरह से नरसंहार हुआ है, पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया की मदद कर दी, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद उन्नाव में एक महिला का बलात्कार हुआ बहुत बुरी तरह से, उसको फिर मार डालने की कोशिश की गई। उन्नाव में एक और महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया। हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे जलील किया गया और उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला, फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी। बारिश आई थी बहुत समय बाद, उसने सोचा अच्छी उपज हो जाएगी, खाद वितरण केंद्र में चला जाता हूं, खाद मिल जाएगी। 2-3 लाख का कर्ज था, उपज हो जाएगी, उसको बेचकर मैं कर्ज चुका दूंगा। लाइन में खड़े खड़े 2 दिन बीत गए, घर आने से डर लग रहा था कि मैं लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। खड़े रहे, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। मैं उनके घर गई, उनकी बेटी सविता ने मुझे यूं पकड़ के मुझसे पूछा कि दीदी ये मेरे पिता के साथ क्यों हुआ, हमने क्या गलती की थी कि हमारे साथ ये क्या हुआ। जब लखीमपुर खेरी गई तो एक किसान की विधवा ने मुझे कहा कि दीदी हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारी मदद अब कौन करेगा, कमाने वाला तो चले गया, पुलिस और प्रशासन हमें घेर रखी है।
हम पर दबाव डाल रही है। रमन कश्यप वहां एक पत्रकार था, उसकी भी हत्या हुई थी। उसके भाई, उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन पर भी प्रशासन ये कह रहे हो, ये है उत्तर प्रदेश के नेता, देश के नेता। जो सोचते हैं कि एक बुरा राशन पकड़ाकर आपको उस राशन पर निर्भर बनाकर आपसे वोट लेकर सत्ता में रहेंगे लेकिन आपको सशक्त करने की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े न हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी, इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे। क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे। तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है, शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत, आप जानती हैं। तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं, वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं, इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। आप अगर सारी इनकी नीतियां देखें, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को देखिए, GST लाए, नोटबंदी लाए, आपको कहा राष्ट्रवाद के लिए लाइन में खड़े हो जाइए, आपने आप अपने राष्ट्र के प्रति आपने सोचा, आप कर्तव्य निर्भा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हो गए, आपके कारोबार खत्म हो गए, कोई काला धन नहीं आया इस देश में, काला धन नहीं आया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ नहीं हुआ, उनके कारोबार चल रहे हैं, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी पिस गया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ, बड़ा उद्योगपति वो तो अभी भी फूल फल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से जो छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योगपतियों को जो नुकसान हुआ, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी, नोटबंदी, ये सब, लॉकडाउन, GST, बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया, उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको गन्ने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए इन्होंने चुनाव के समय, कांग्रेस की सरकार 400 रुपए देगी। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया, किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए बड़ा उद्योगपति, उनके जो काले कानून थे वो क्या थे, यही तो थे कि कल को कड़ा कोई उद्योगपति आपकी जमीन का कब्जा करे, आप DM तक नहीं जा सकते उसके फैसले के लिए, कोई छोटा मोटा अधिकारी फैसला करेगा,
जिसे वो बड़ा उद्योगपति कभी भी कितनी भी घूस देके कर लेगा अपना फैसला। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए। वही प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घुमाए, वही राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि दुनिया भर में देश का झंडा ऊंचा करेंगे, तो अपने देश के किसानों का क्या करूंगा? अपने देश के किसानों के लिए कौन बोलेगा? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि आप दुनिया घूमे 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाजों में, लेकिन जो गन्ने का बकाया है 14,000 करोड़ का, आपने वो नहीं दिया किसानों को? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि किसानों को आपके मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला और आप उसी मंत्री को अपने मंच पर खड़ा करते हैं आपके साथ, उससे इस्तीफा नहीं मांगा, उसके बेटे को जमानत दिलवा दी, उसको रिहा करवा दिया? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि इस देश की आधी आबादी, इस देश की सारी महिलाएं एक तरफ, और आपने सिर्फ इनके लिए दो चीजें की, एक खाली गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और एक बोरा राशन पकड़ा दिया, लेकिन इनको शिक्षित करने के लिए, इनको रोजगार दिलवाने के लिए, इनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपने कोई स्कीम नहीं बनाई। कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि तमाम नौजवान आर्मी में भर्ती की तैयारी किए और आपने उसमें भी घोटाला किया? कैसा राष्ट्रवाद है कि जो नौजवान सीमा पर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो? कैसा राष्ट्रवाद है ये? ये सब समझ गए हैं। ये देखिए, ये खोखली बातें हैं, ये विज्ञापनों के लिए राष्ट्रवाद, धर्म, जाति की बातें हैं, ये राजनीतिक मंचों के लिए है ये बातें, इसमें गहराई नहीं है। ये सब समझ गए हैं बहनों, ध्यान से सुनो, ये सब समझ गए हैं कि धर्म की बात करके आपका वोट मिल जाएगा। ये सब समझ गए हैं, दशकों से चल रही है ये परंपरा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आज ये प्रदेश जिसने हमेशा इस देश को दिशा दिखाया था, पीछे चले गया है। अराजकता बढ़ गई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चढ़ती चली जा रही है और कोई नेता उसको रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ पुराने जमाने का कोई दोष निकाल रहा है कि अरे ये इसलिए हुआ क्योंकि 70 साल पहले ऐसा हुआ था। जहां से रोजगार निकलना था, जो बड़ी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में बनाई थी, BHEL, HAL, रेलवेज, NTPC, ITI, नाम लीजिए, सबको आपने बेच डाला। अपने अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को, उन्हीं को, उन्हीं दो लोगों को बेच डाला, और आप रोजगार की बातें कर रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, कहां से देंगे? भर्ती तो आप करा नहीं रहे हैं। छोटे दुकानदार, किसान, छोटे व्यापारी जो रोजगार देते थे, उनको आपने खत्म कर डाला। बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बेच डाली, तो कहां से देंगे रोजगार? और आज के दिन में जो सरकार रोजगार नहीं देती है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कह सकती, क्योंकि ये नौजवान ये अगली पीढ़ी है, ये इस देश का भविष्य है, ये इस देश की जमीन से जुड़े हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। इनको अगर मजबूत नहीं किया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर आप इनको कमजोर रखने की साजिश कर रहे हैं ताकि ये आप पर निर्भर रहें और आप इनसे अपना स्वार्थ साधें, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं।